पूरा यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे गिरा, एक बच्चा यहाँ गिरा था, एक बच्चा वहाँ गिरा हुआ था। ऑयल कहाँ गिरा हुआ था? कितना किलो था तेल? तेल का 6 से 7 लीटर ऑयल था उसमें। पूरा यहाँ गिर गया, ये पे गिर गया पूरा। अभी भी ऑयल है यहाँ पे, देख सकते हो इधर का साफ कर लिए, इधर का साफ नहीं हुआ, इसके नीचे ऑयल है। है ठीक है, मैं कैप 555 बाकी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेफ हूँ, हेड सेफ हूँ। तो हम लोग यहाँ शाम के टाइम में करीबन 8 बजे 8:30 बजे का करीबन वो वक्त था, तो हम लोग अपने बच्चे अपना काम कर रहे हैं, अपना ऑर्डर भी मार रहे हैं, चल रहा है। तो ऊपर पार्किंग में तो झगड़ा हुआ, वो डिलीवरी बॉय स्विगी वाला बॉय था, उसके साथ में एक वाइट कपड़ा पहना हुआ एक लोग था, उसके साथ झगड़ा हुआ। तो जब झगड़ा, क्या मसला हुआ पार्किंग के बारे में, वो तो अपने को नहीं मालूम, अपन का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चा अपने जान बचाने के वास्ते कले वले में अपने किचन के अंदर घुस गया। जब घुस गया उसके पीछे पीछे 10-15 जन अपने किचन के अंदर घुस गए। जब घुस गए तो वो बच्चे को मारने लगे। तो हम लोग अपना काम करे, ऑयल का काम भी चल रहा है, पूरा एक कढ़ाई ऑयल फुल है, गर्म ऑयल है। तो बच्चे उनका काम करे, हम लोग रोक भी रहे, तो हम लोग को भी मार रहे, हट जाओ बल्कि मारे, धक्का धुक्की दे रहे पूरे जन को। तो वजह कुछ लड़ाई के बजाय पार्किंग वाला स्विगी वाला बॉय था, उसका यहाँ होटल में ऑर्डर गिरा था, उन्होंने ऑर्डर लेना आया तो बाजू रोड पे एक वाइट कपड़ा पहने थे, तो उनको बोले भाई, वो तो नहीं पहचानते क्या नाम है भाई उनको, हम नहीं जानते वहाँ कौन है, लेकिन बाहर वाले कौन है हम नहीं पहचानते। स्विगी बच्चा तो यहाँ आया, जब उन्होंने पार्किंग लगा के आया तो खाना लेके ऊपर गया, तो उनको बोला भाई थोड़ा हटो मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई, क्या मसला उनका वो उनको मालूम, हमारे को नहीं मालूम भाई। तो बच्चे को मारे, जब मारे 10-15 जन उसके पीछे आ गए, स्विगी वाले के पीछे, उन्होंने जान बचा के वास्ते अपने किचन में घुस गया। अपने किचन में गए तो अपने बच्चे ऑर्डर मारे, जो जिसका काम कर रहा है भाई, तो गरम गरम ऑयल था, धकला धुकली में 15 जन घुस गए, बच्चे को मारने लगे। जब धकला धुकली में अपने बच्चे काम कर रहे थे, तीन जन काम कर रहे थे, उनके ऊपर गर्म ऑयल गिर गया, अपने बच्चों के ऊपर पूरे जल गए बच्चे, पूरा सीरियस क्रिटिकल हालत में, बहुत सीरियस हालत में है। एक सोनू करके बच्चा है, बिहार का बच्चा है, और एक सजल कलकत्ता का बच्चा है, और एक है उड़ीसा का बच्चा है। और जो सोनू जो है बहुत क्रिटिकल में, बहुत ज़्यादा जल गया, दो बच्चे बहुत सीरियस हैं, सजल और सोनू। और पुलिस आई थी रास्ते में, पुलिस वाले की गाड़ी जा रही थी, तो उसमें से बड़े साहब उतर के नीचे भी आए, एसीपी साहब नीचे उतर के आए। जब उन्होंने छुड़ाने, तो वहाँ उनके सामने भी मारने लगे वो बच्चे को, डिलीवरी बॉय को। हम लोग भी छुड़ाने गए, तो हम लोग को भी धक्का धुक्की देने लगे। अच्छा जी, एग्जैक्टली 8:30 वाले के ऊपर हुआ जी। तो अपने बच्चे अपना काम कर रहे हैं भाई, अपना कुछ भी मसला इसमें नहीं है, अपन किचन में काम कर रहे हैं, उन्होंने किचन डर के मारे। कुछ आइडिया तो होगा ना आपको, कहाँ के लोग, वाले लोकल बच्चे हैं, हमारे को नहीं मालूम, हम तो यहाँ पर भाई काम करने आते हैं, हमारा घर भी अलग है उड़ीसा के हमें, लेकिन वो यही लोकल बच्चे थे, तो क्या मसला उनका नहीं मालूम। अब बाहर का झगड़ा वो अपने किचन के अंदर ला के जल गए, अब अपने बच्चे जल गए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? आपका बाहर का लफड़ा है ना, बाहर ही निपटा देना था, अभी आप अपने अंदर में झगड़ा लगाए, नुकसान किसका? अपने बच्चे का हुआ। हाँ, 12-15 जन घुस गए किचन में पूरे, हम लोग रुका रहे भाई, आप उधर गर्म ऑयल है कि ये सीख है सब कुछ, पूरा ऑर्डर चला है, हम लोग ऑर्डर मार रहे। अब हमने बच्चे काम कर, धक्का धुक्की में तेल कढ़ाई को पलटा दिए, तो अपने बच्चे वहाँ पे थे, वो तीनों के ऊपर गिर गया गर्म गर्म ऑयल पूरा, बच्चे पूरा चिल्लाने लगे, जल गए, भागते हुए उनको फिर मेडिकल लेके गए, ये अपना किंगस्टोन हॉस्पिटल में।